दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं तीन ऐसे वेट गेनर शेक्स के बारे में जो कि आपका वजन बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ये सभी तीन वेट गेनर शेक्स 1000 कैलोरीज के अराउंड है, सो आप एक बार में ही 1000 कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है एक बार में 1000 कैलोरीज कंज्यूम करना। क्योंकि हम अगर एक बार में ही ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा फूड खाना पड़ता है, जो कि खाना और साथ ही बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए। काफी बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, कोई स्टूडेंट है या फिर कोई ऑफिस जाता है तो हमारे इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसे बनाएं फिर खाएं। सो इसी वजह से मैं आपके लिए तीन ऐसे वेट गेनर ढूंढ के लाया हूं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जो कि आपका वेट गेन करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और ये वेट गेनर आप इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। इन तीनों वेट गेनर्स में तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अच्छी खासी मौजूद है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स तीनों ही अच्छी मात्रा में मौजूद है, जो कि आपका वेट गेन करने में आपकी काफी मदद करेंगे। और हो सकता है आप एक बार में ये शेक ना पी पाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन्हें दो बार में पी सकते हैं, और पीने की टाइमिंग आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चाहे तो इन्हें मॉर्निंग में पी सकते हैं या फिर आप वर्कआउट से दो घंटे पहले ये पीकर वर्कआउट करने के लिए जा सकते हैं। सो आइए जानते हैं सबसे पहला वेट गेन शेक के बारे में। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपको इसके लिए लेना है 250 ml मिल्क, आपको इसमें फुल क्रीम मिल्क ही लेना है अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं। साथ ही हम लेंगे 100 ग्राम ओट्स, और इसके साथ हम लेंगे कम से कम 2 जैगरी यानी कि 2 गुड़, 20 से 30 ग्राम का आप गुड़ ले सकते हैं। और साथ में आपको लेना है 20 बादाम, 4 खजूर और 1 चम्मच आपको लेना है पीनट बटर का। जैगरी आपका डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओट्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है, डेट्स, पीनट बटर एंड आलमंड्स, ये सभी आपके वेट गेन करने में काफी हेल्प करेंगे। इनको आपको बनाना किस तरह है, आपको ओट्स लेने हैं सबसे पहले 100 ग्राम, उसको आपको ब्लेंडर में डालना है और उसका अच्छा सा पाउडर बना लेना है। आपको सबसे पहले आपको इसका पाउडर ही बनाना है, इससे पहले आप ब्लेंडर में कुछ नहीं डालेंगे। जब अच्छा खासा पाउडर बन जाए ओट्स का, उसके बाद आप मिल्क, जैगरी, आलमंड्स, डेट एंड पीनट बटर सबको एक साथ डालकर आप उसको मिक्स कर लें और अच्छा सा आपका शेक बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरे शेक के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, उसमें आपको लेना है 1 बनाना जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है, 1 चम्मच आपको लेना है फ्लैक्स सीड्स का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए, और आपको 1 चुटकी लेनी है सिनेमन पाउडर की, और साथ में आपको लेना है 20 से 30 ग्राम जैगरी यानी गुड़, और 10 आपको इसमें लेना है बादाम, और आपको इसमें लेना है 200 से 250 ml मिल्क, और साथ में इसमें आपको डालना है 50 ग्राम ओट्स, और आप इसमें लेंगे 1 से 2 चम्मच पीनट बटर के। इन सभी में भी आपको इसी तरह करना है कि आपको ओट्स को पहले पाउडर बना लेना है, उसके बाद ही आप ये सभी चीजें ऐड करेंगे 1 बाय 1, और आपको इसका अच्छा सा ब्लेंड कर देना है। उसके सिनेमन पाउडर आप बाद में भी डाल सकते हैं, चाहे तो एक साथ ही डालकर सब ब्लेंड कर सकते हैं, और इसके बाद आपका ये वेट गेन शेक तैयार हो जाएगा। तीसरा वेट गेन शेक में आपको चाहिए 100 ग्राम ओट्स, 1 बनाना, 1/2 किलो आपको मिल्क लेना है, और 1 चम्मच लेना है आपको हनी यानी शहद का। और अगर आप वे प्रोटीन यूज करते हैं तो हम इसमें 1 स्कूप डालेंगे वे प्रोटीन का। इस सभी में भी आपको ओट्स को पहले पाउडर बना लेना है, बाद में आप ये सभी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करके इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, और आपका वेट गेन शेक तैयार हो जाएगा। सो दोस्तों ये तीन ऑप्शंस आपको मैंने दिए हैं, आप इन्हें चाहे मॉर्निंग में ले सकते या फिर वर्कआउट से 2 घंटे पहले ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप इन्हें यूज करके देखें, आपका डेफिनेटली वेट गेन होगा। हाइट इंक्रीज करने से रिलेटेड वेट गेन डाइट प्लान भी हमने पूरा बनाया हुआ है, और काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं सभी वीडियोस। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।